हेलो गाइज, राजवानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का लंच मेनू कुछ इस टाइप का है। चलिए आज का लंच थाली तैयार करते हैं। यहाँ हम रायता के लिए कद्दू को बॉईल होने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। इधर कद्दू हमारा बॉईल होगा और उसके बाद इधर हम पटल फ्राई की तैयारी। पटल हमारा कटा हुआ था, तेल जब पूरी तरह से गर्म हो जाता है उसमें फ़ौरन में हम जीरा, कटी हुई लहसुन डालने के बाद जब थोड़ी सी रोस्ट हो जाती है उसके बाद कटी हुई पटल को डाल देते हैं। हमारा पटल का भुजिया पूरी तरह से पककर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम आलू भुजिया चढ़ा देते हैं और आलू भुजिया इधर पकता है तब तक हम नेनुआ की सब्जी कट कर लेते हैं। नेनुआ की सब्जी हमारा कट गया है और इधर मेरा रायता भी बॉयल होकर रेडी हो। रायता का एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं और इसके बाद हम दाल चढ़ा देते हैं। दाल चढ़ाने के बाद हम इधर रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए कद्दू में हम दही डालते हैं, काला नमक, रोस्टेड जीरा और कटी हुई हरी मिर्च, सरसों की पाउडर सब कुछ डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। हमारा रायता रेडी है। इसके बाद हम नेनुआ की सब्ज़ी चढ़ा देते हैं और नेनुआ की सब्ज़ी चढ़ाने के बाद हम रोटी की तैयारी इधर कर लेते हैं। मेरा रोटी बनकर तैयार है और नेनुआ की सब्ज़ी भी बनकर लगभग तैयार है। इसके बाद हम दाल मेरा पक चुका है। दाल में हम अब छौंक लगा लेते हैं और छौंक लगाने में हम दाल में तेल को गर्म करते हैं। उसमें जीरा, लाल मिर्च और लहसुन की कुछ कटी हुई पीस डालते हैं और मेरा दाल में छौंक लगा देते हैं। अब मेरा लंच तैयार है। लंच मेनू में मैं आज पटल फ्राई, रायता, कद्दू का रायता, दाल, उसके बाद सलाद एंड आलू का भुंजिया। चलिए थाल लगाती हूँ मैं लंच के लिए।